Thank you.
Thank you.
अगर ये प्रश्न हमारे हृदय में जगता है फिर तो समझनी चाहिए हम इंसान हैं। अगर ये प्रश्न नहीं जगता है तो भैया फिर हम इंसान नहीं, हम तो जानवर हैं, हम तो जानवर हैं। इसलिए फिर उसको बाद में पता चलता हम कौन हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, पता चलता हम भगवान की ही नित्य सेवक हैं। जब भगवान की नित्य सेवा क्या करनी चाहिए, फिर भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इसलिए उसको बाद में फिर भजन किया, जब पता चलता है हम भगवान की संतान, ये संसार झूठा है, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा, भगवान ही हमारे पिता माता, फिर भजन करना शुरू करता है। जब भजन करना शुरू करता है उसको बाद में फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर में जो अनर्थ है, असत तृष्णा है, अपराध है, तत्व भ्रम है हमारे अंदर में, हाँ तत्व भ्रम मतलब हम कौन है, कहाँ से आए, फिर ये सारे अनर्थ हृदय से नष्ट होता है। उसके बाद में फिर आता है निष्ठा, उसके बाद फिर रुचि, उसके बाद फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम में कृष्ण दर्शन। इसलिए उन्होंने भजन का एक क्रम बताए, एक साधक कैसे धीरे 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 चढ़ बढ़ चढ़, लेकिन कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। क्या भ्रमित हो जाता है, अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करते हुए अगर थोड़ी सी किसी हृदय थोड़ी सी पिछला स्वभाव होता है, बिना थोड़ी सी प्रभु की कथा सुने आंखों से आंसू आ जाता है, थोड़ी भाव से गदगद हो जाता है। इसलिए कभी कभी अगर इतना हो जाए ना, हम समझने लग जाते हैं हम तो भगवान के थे, हम तो बहुत बड़े संत बन गए, हम बहुत बड़े भक्त बन गए। इसलिए जैसे साधक इससे भटक नहीं जाए, इसलिए हमारे वही श्री रूप गोस्वामी फिर दो बार जगत में आए, लेकिन इस रूप में कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वही फिर दो बार आए आ करके वही चीज़ को दिखाने के लिए, जैसे उनको भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उन्होंने देखा इतना बड़ा ग्रंथ अगर कोई नहीं पढ़ पाए, उसका बिंदु बना दिया, एक छोटी ग्रंथ बना दिया, ये ग्रंथ को पढ़ लिया, उज्ज्वल निर्मण उज्ज्वल निर्मणि उन्होंने ग्रंथ रचना किया, और इतना बड़ा ग्रंथ अगर कोई नहीं पढ़वाए, उज्ज्वल निर्मण किरण पढ़ा, एक छोटी ग्रंथ बना दी, लघु भागवतामृत ग्रंथ बना दिया, इतने बड़ा ग्रंथ अगर नहीं कोई पढ़ पाए, लघु भागवतामृत कणा फिर बना दिया, छोटी ग्रंथ बना दिया। इसलिए फिर उसने जगत में दो बार आ करके वो चीज़ को हमारे लिए सरल से सरल कर दी गई। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम माधुर्य कादंबिनी, यदि ये ऐसे एक ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में, एक अद्भुत ग्रंथ है। जैसे कोई दूध बेचने के लिए आता है, अभी जो दूध में कितना पानी और कितना दूध कौन बताएगा, एक बैरोमीटर होता है, एक मशीन होता है, उसको उसके अंदर डाल दो ना, वो बता देगा इसमें कितना पानी है और उसके अंदर दूध बता देगा, कहते बैरोमीटर। कहते ये जो माधुर्य कादंबिनी जो ग्रंथ है, कहते ये भक्ति जगत का बैरोमीटर, ये हमें अपना आंखों से अंगुल डाल करके बता देगा अभी तुम इसी स्थिति में, अभी तुम इसी स्थिति में, अगर इससे अगर ऊपर चढ़ना चाहो तो फिर और ऊपर साधन करो। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हैं ये सचमुच से जा कर के पढ़ता ना, पढ़ाई का नाम लेकर पिताजी से पैसा लेकर के पार्क में बच्चों के साथ में क्रिकेट खेल कर के चला जाता है, ये पता कर चल जाता है जब उसका एग्जाम होगा, जब पेपर होगा ना, उसका मार्क देख करके पता चलता ये क्या क्या करता था, हैं ऐसे नहीं पिताजी से पैसा लिया घूमे घामे और खाए पिए पिज्जा पास्ता खाए मस्ती करके गोल गप्पे खा कर घर में आ गए। इसलिए कहती है जब पेपर आ जाता है ना, फिर तो सब पता चल जाता भैया इसने कितने पढ़ाई किया नहीं किया। कहती ये जो ग्रंथों ने लिखे हैं सब जो एक तरह का पेपर देना है, हमें भक्ति जगत में भी एक पेपर देना है कि ऐसे एक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए ये ग्रंथ को पढ़े बगैर जो साधारण जो साधक है वो आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, रचना करके हमें दिखा दिया, देखो तुम इसी स्थिति में
अगर जैसे क्लास वन को पास कर गया फिर क्लास टू को पढ़ो, क्लास टू को पास किया क्लास थ्री को पढ़ो, फिर जाकर हिंदी इंजीनियर डॉक्टर बीएससी जाकर बना, उसके बाद में बढ़िया नौकरी करो और बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, फिर तो आराम से खाओ पियो बता। उसी तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये ग्रंथों को लिख करके हमें बताए भैया तुम साधन का ये स्थिति है, चलो इसको ऊपर और चढ़ो, तुम्हारी ये स्थिति है इसको ऊपर और चढ़ो, ये स्थिति है इसको ऊपर और चढ़ो, बस करते 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 कहाँ भगवत प्राप्ति, भगवत चरण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ का नाम क्या रखा, बोले माधुर्य कादंबिनी। तो माधुर्य कादंबिनी का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया माधुर्य का मतलब होता है मधुरता व चारुता, मधुरता व चारुता ये माधुर्य है। कहते कादंबिनी मतलब क्या है, बोले कादंबिनी मतलब होता है मेघ माला, आकाश में जो मेघ छा जाती है ना उसको मेघ को माला को उसको कादंबिनी बताया। कहते जो माधुर्य रूपी कादंबिनी बताए भैया जो माधुर्य, कहते भगवान की चार माधुर्य, तो जो मेघ है किस चीज की मेघ है, ग्रंथ का नाम माधुर्य कादंबिनी, बताइए जो मेघ है। अब देखना बड़ी गर्मी पड़ रहा है, बड़ी गर्मी जो पड़ता है हम क्या चाहते हैं, भैया मानसून कब आए, मानसून कब आए, बोलते ना मानसून लोग तरसते रहते हैं, इतनी गर्मी इतनी गर्मी मानसून छटपट छटपट करते हैं। उसी तरह हम भी इसलिए हम रोज रोज सबर गाते हैं ना, क्या गाते हैं संसार दाबा नड़ली धलो को त्राणाय कारुण धनागना प्राप्त कल्याण गो नरनवास बंदे गुरसी चरण। रोज रोज हम सबरे ये भजन गाते हैं, क्या कहते हैं, बोले संसार धावा नीड, संसार में हम भी इसी संसार में चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया संसार धावा नल, संसार की धावा नल, धावा नल किसको कहते हैं, साधारण के आग लग जाए फायर ब्रिगेड में भेजा दोगे, अगर जंगल में जो लकड़ी में लकड़ी घिस करके आग लगती फिर वो ऐसे वो बुझने वाले नहीं, वो फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं करेगा, वो कब बुझेगा, आकाश में अगर काला मेघ अगर छा जाए और जोर से अगर बारिश होने लग जाए ना जोर से वो आग को वो बुझा सकते। उसी तरह यहाँ पर बताए ये माधुर्य कादंबिनी, कादंबिनी मतलब मेघमाला है, बोले जो मेघमाला हम जो संसार रूपी ताबा नल में हम सबके सब झुलस रहे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिपति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, और अंदर से दुखी दुखी, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख दुख से हम सबके सब संसार को बताया एक ही कढ़ाई है, हैं और वो कढ़ाई में जैसे तेल में जैसे हाँ जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, हमको ऐसे कढ़ाई में हमें डाल दिया है और दिन रात रूपी जो कलची में हम सब सब्जी को चलाते हैं, ये दिन रात रूपी क्या करें हमें संसार रूपी कढ़ाई में हमें भून रहा है संसार में। इसलिए कहते हम जो ये संसार के दुख में हम झुलस रहे हैं भैया इससे निकलेंगे कैसे, इसलिए ग्रंथ का नाम बताया कादंबिनी, कादंबिनी मतलब मेघमाला है, किस रूप में मेघमाला, कहते ये माधुर्य रूप की मेघमाला, कहते माधुर्य भगवान की चार माधुर्य, कितना माधुर्य है, क्या क्या है माधुर्य चार है, हैं और एक प्रेम माधुर्य, इसलिए इसमें चार माधुर्य है, हैं अगर ये चार माधुर्य रूपी मेघ अगर आकाश में आ जाए ना, अगर वो बारिश करने लग जाए फिर तो क्या होगा, हमारी हृदय
में जो आग लगी हुई है, तो आग ये तभी बुझ जाएगी। इसलिए पहला माधुर्य क्या है, बोले सर्वात बुद्ध चमत्कार लीला कल्लोड़ वाली। पहला जो माधुर्य है, जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, देखना जितने समय हम भगवान की कथा सुनेंगे, देखना उतना समय जितने भी हम संसार में दुखी है, तन से मन से धन से, लेकिन जितना समय देखना 2-3 घंटा 4 घंटा कथा में बैठते सारा दुनिया की दुख कष्ट भूल बैठे, उस समय हमारा कोई संसार का दुख घटना में याद नहीं आ। लेकिन कथा से बाहर निकलो तो या घर में जाने पर ये दुख है, घर में ये दुख है, घर में ये दुख है, घर में ये दुख। लेकिन आप देखना जितने समय कथा में बैठे हुए देखना सारी चीज को हम भूल कर। इसलिए पहला माधुर्य की लीला माधुर्य। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित को बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो कथा सुनो, बैठो और कथा सुनते रहो। उनके कथा सुनते 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 उनकी लीला कथा सुनते 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 बस सारी बात। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जो ये जो साधन है, सबसे बड़ा साधन प्रभु की कथा साधन है। उनकी लीला रूपी में डूबो, उनकी लीला में डूब जाओ है। उनकी लीला में अगर डूब जाओगे ना, ये कहते सबसे बड़ा साधन। इसलिए बोले विश्व से न कथा सुच न उत्पाद जति जति सम वही देव। इसलिए बोले और दूसरे दूसरे भक्ति में तो तुम्हारी निष्ठा है, लेकिन प्रभु की कथा में तुम्हारी निष्ठा है, प्रभु की कथा में तुम्हें रुचि है। बताओ जितने भक्ति अंग है ना समझदार। इसलिए आप देखो ना इस जगत में आप जिसको ज़्यादा प्यार करते हो ना उसकी कथा सुनने में अच्छी लगती है। जैसे कि लड़का लड़की दोनों प्रेम करते ना, अगर उसकी कोई बात हो कान खड़ा हो जाता, बोले क्यों, तुम उसको प्रेम करते हो, तुम उसको प्रेम करते हो इसलिए तुमको क्या लगता है उसकी कथा अच्छी लगती है। अभी तुम भगवान को प्रेम कर रहे हो, उसका क्या लक्षण है, उसकी लक्षण है उसकी कथा समय सुनने की, कथा सुनने की इच्छा करती है। इसलिए हमारे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निप्रीत तस्सही रूप की माना भव औसद छुत्र मनोविरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरचित बिना पशुनाथ। जब वो दशम स्कंद शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में इस श्लोक को बता रहे हैं, निप्रीत तस्सही रूप की माना। भगवत कथा में उनकी लीला में इतने माधुर्य इतने रस है, कहते जो संपूर्ण संसार से निवृत्त हो चुके हैं। बोले कौन, बोले सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी, शंकर भी कहते वो भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे हैं, वो भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे हैं। इसलिए कहते निवृत्त जो संपूर्ण संसार से निवृत्त हो चुके हैं, कहते उनके लिए भी ये प्रभु का जो कथा है ना। सुखदेव गोस्वामी पहले तो ब्रह्म में डूबे हुए थे, एक कृष्ण की कथा सुने ली, माधुर्य सुने, पागल हो सब छोड़ छाड़ कर भक्ति में आए। इसे कहते निप्रीत तस्सही भव औषध छोत्र मनोविरामा, कहते भव शांतकार्य से उधार होने का सबसे मीठी दवा क्या है, कहते भगवान इससे और मीठी दवा देने मुझे कुछ। इसलिए भव औषध ये भव रोग की मेडिसिन। प्रश्न करते हैं बोले भैया बताया भव रोग का ये मेडिसिन, बोले हाँ अब देखना अक्सर करके जो मेडिसिन होता है ना कौड़ी होता है, मुँह में तो कड़वी लेकिन अंदर में अच्छा होता है। जैसे एलोपा के फटाफट दाओ पानी पी करके अंदर में मिल जाओ है, क्यों कड़वी होती है। तो बोले भैया आप कह रहे हो भव सागर से पार होने के लिए प्रभु की कथा मेडिसिन है, दवा है या कड़वी है। बोले नहीं छोत्र मनोविरामा, ये कथा जो कान और हृदय को बड़ा आनंद देता है। इसलिए रूपों की सब क्या कहते हैं कर्ण प्रणो कड़बिनी घटयते, जब भगवान की कथा नाम कर्ण में प्रवेश करता है कहते ब्रह्मा ही दो ही कान क्यों दिए, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिए। पृथ्वी महाराज कहते 10,000 कान दे दो, 10,000 क्या कहते दो कान तो अच्छे लग रहे, पूरा कान कान हो जाएगा थोड़ी अच्छी लगेगी। बोले नहीं कान तो दो हो लेकिन उसमें कथा सुनने का जो शक्ति 10,000 कानों में जो शक्ति हो सकती है हमें प्रदान करो है। इसलिए छत्र मनोभीरामा एक कार और किसको ये दोनों को। इसलिए बोले तुम
तुंडे तांडविनि मित मितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण करणो कडबिनि घटेते कर्णापदे प्रिया चेत प्रांगण संधि रचेते सर्पेन्द्रियाणाम चेत प्रांगण कति क्या करता है भगवान की कथा चेत वन चित्त प्रांगण चित्तरूपी प्रांगण में जब कृष्ण कथा रूपी मेघ बरसती है क्या करता है सारे इंद्रिय को क्या करता है सारे इंद्रियों को खिला देता है। अब देखना जब कृष्ण कथा सुनते खुश हो जाते ना भगवान की कथा सुनते रोम रोम खिल उठता है आंखों से आंसू झरना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते जो भगवान की जो कथा है इसलिए श्री कपिल देव अपना माँ को क्या कहते हैं हृत कर्ण रसायन हृत मतलब हृदय कर्ण मतलब कान इसको क्या देता है रसायन। रसायन क्या है फिर 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन जड़ी बूटी से बनता है जिसको खाने से शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में ताकत। इसलिए उन्होंने कथा को उदाहरण क्या दिया भगवत कथा को लीलाओं को उदाहरण देते रसायन मतलब अगर भगवान की कथा रूपी रसायन को पान करोगे ना फिर क्या होगा सारी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी और तुम्हारी शरीर सुस्त हो जाएगा शरीर तुम्हारी सुस्त हो जाएगी हैं फिर तुम्हारे हृदय की रोग नहीं आएगी हृदय में कोई रोग नहीं आएगी। इसलिए कहते भव औषध छत्र मन विरामद कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद भगवान की जो लीला कथा है इसको कौन नहीं सुनता है कि बिना पशु ना जो जानवर को मारने वाले कौन है तो जो व्याध है हैं जबकि बोले कि व्याध को छोड़कर तो आप सबके सब कृष्ण कथा सुनेंगे। इसलिए पहला माधुर्य भगवान का कौन सा माधुर्य लीला माधुर्य अगर प्रभु की लीला कथा रूपी प्रभु की लीला कथा रूपी माधुर्य में अगर स्नान करोगे ना सारी बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगी सारी बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगी। अभी तक देखो रुक्मिणी कृष्ण को क्या पत्र लिखती है बोले प्रभु आप मेरे को भी नहीं देखे मैं आपको भी नहीं देखा लेकिन ये नारद जी आपकी कथा सुना 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 करके हमारे रोम रोम में कृष्ण को बैठाते इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की शादी करूँगी तो तुम्हें शादी करूँगी जगतपति जगन्नाथ तुम हो हैं पति होने का लायक तुम अब हम लोगों को देखो अभी तक आप कृष्ण को दर्शन किए हो अभी ठाकुर दर्शन मिले किसी को लेकिन हम क्या क्या क्यों भगवान की इतने भजन कर रहे हैं सब घर बार पति पति सब सारा दुनिया को छोड़ दिए क्यों छोड़ दिए इसीलिए केवल कृष्ण कथा कान में केवल इन कान में कृष्ण कथा पड़ गया प्रभु मिले ही नहीं पता नहीं कितने जन्म में मिलेगी लेकिन उसकी कथा ऐसे है उसकी कथा ऐसे है ना। इसलिए राधा रानी जब कृष्ण को चरण में को कृष्ण भ्रमर बन करके आई राधा जी के चरण में बैठना चाहते हैं और जब से आई तब से तुम कपट हो धूर्त हो काले हो एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर से तुम ऐसे हो हैं जन्म जन्मांतर से। इसने पूछा भैया जब से आई तब से तुम कृष्ण की निंदा 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 कर रहे हो कृष्ण कथा छोड़ दे ना बोलने के लिए और बहुत सारी बात है ना कृष्ण कथा तू छोड़ दे कृष्ण कथा तुम छोड़ दे फिर वो कथा को फिर तुम क्यों बोलते हो राधा रानी कहती हैं यही तो बात है उसकी कथा मुँह से छुटती नहीं उसकी कथा ही छोड़ा नहीं जा रहा है हैं। इसलिए उनका जो पहला माधुर्य है कौन सा माधुर्य है लीला सर्वात्मक चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि कल्लोल वारिधि बताइए कल्लोल वारिधि वारिधि मतलब पानी हैं। इसलिए कृष्ण कथा ही एक माधुर्य है कहते उनको लीला माधुर्य में कहते उनका सर्वश्रेष्ठ लीला माधुर्य कौन है कहते कृष्ण द्वारका में लीला करते हैं मथुरा में करते हैं और ब्रज में भी करते हैं ब्रज में सखाओं के साथ में लीला करते हैं माता को साथ में करते हैं और उन्होंने गोपियों को साथ में भी लीला करते हैं। इसलिए रूपों को स्वामी ने यहाँ पर बताए लीला माधुर्य में उनके सर्वश्रेष्ठ लीला किया है गत संति जत्यव्य में लीला प्राच्या गदा मनोरा नाही जानी स्मृति रासे मनो में किधर से भगवत कृष्ण पुत्र कहते मेरे ने तो बहुत लीला किया है सखा माताएं
लेकिन मैंने जो रासलीला की है ना, जब जब मैं रासलीला के बारे में मैं सोचता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर में क्या क्या हो जाता है, मेरे को पता नहीं चलता। रासेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। जब राधा रानी की चिंता करता हूँ, पता नहीं मेरे मन में क्या 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 होने लगता है। इसलिए पहला माधुर्य है लीला माधुर्य, बोले दूसरा माधुर्य क्या है? वे सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल। इसलिए दूसरा माधुर्य है उनकी प्रेम माधुर्य। इसलिए प्रेम माधुर्य में दो उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया उन्होंने रास लीला, बोले कितने दिन तक भगवान ने रास रचाए? बोले उन्होंने ब्रह्मा का एक एक रात दी, ब्रह्मा की एक दिन का एक रात है इतने, एक हजार चतुर्युग तक उन्होंने रास लीला किया, एक हजार चतुर्युग। लेकिन गोपियों को कैसे लगा? मानव अभी आए और मानव अभी खत्म हो। आप देखना जब आनंद हो ना, आनंद में समय ऐसे बीत जाती है, मतलब इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया, इतने जल्दी खत्म हो गया। अगर कोई दुख हो ना, देखना दुख ज़्यादा हो ना, एक 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 सेकंड बीतना बड़ा कठिन होता है, एक एक सेकंड बीतना कठिन होता है। ये कब बीते, कब बीते, कब बीते। लेकिन जब आनंद होता है ना, आनंद में पता नहीं दिन कब चले जाते, पता ही नहीं चलता। हमारे मंदिर में ये ब्रह्मचारी बन करके आए ना सब ब्रह्मचारी, तब जब वो सोचते हैं भैया इतना दिन मठ में हो गया, पता ही नहीं चला। अगर इतना दिन मठ में हो गया, हमें पता ही नहीं चला इतना दिन ही हो गया। बोले क्यों? हर समय प्रभु का कीर्तन भजन, हाँ, भगवान की भक्ति में भजन में करते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता समय हमारी कैसे बीत जाती है, हाँ, समय कैसे हमारी बीत जाती है। इसलिए प्रेम माधुर्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करते हुए वापस आते हैं, कृष्ण बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बंसी ध्वनि, अभी बंसी ध्वनि सुन करके सारी ब्रज गोपियाँ बाहर निकल कर कहाँ जाती हैं और कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय बोले कृष्ण का मुख कैसे एक कमल, कहते उनको घुमड़ा कैसे कैसे, कहते जैसे भौरा बैठते हैं, जैसे धूल उड़ता है, वो क्या है जैसे मुकुट से पावर लगा हो। इसलिए जब कृष्ण का दर्शन करते हैं, कहते त्रुटि जुगायते त्वांग मबस्यता कोटिल कोटल श्रीमुखम चते। वो उदाहरण देती है, बोले प्रभु आदमी जो पलक झपकी है पता नहीं चलता, लेकिन उतना समय भी लगता है मानो करोड़ युग बीत गया कृष्ण का दर्शन। मेरे भगवान की दूसरा माधुर्य, बोले तीसरा माधुर्य, बोले त्रिजगत मानसा कर सी गुरली तलब। भगवान की जो बंसी माधुर्य, जो बंसी माधुर्य जिसको द्वारा उन्होंने त्रिभुवन को उन्होंने पागल बना देते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन बुद्धि चमत्कीर मोस्तुंग। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान जब बंसुरी बजाते हैं, चतुसंग का दिमाग घूम जाती है, ब्रह्मा की बत्ती चंचल हो जाता है। जब श्री अनंत देव बंसी ध्वनि के शब्द सुनते हैं, उनका मन भी उनका शरीर पर डगमगाने लग जाते हैं और सारा दुनिया को उथल पुथल कर देते हैं। जब ना उल्टी बहने लग जाती है, आकाश से बारिश होने लग जाती है, हाँ, पक्षी मुनि बन जाते हैं, गैया घास खाना भूल जाते हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, हैं, देवियों का हैं जो सुंदर खुल से श्रृंगार की हुई वो भी धीरे धीरे सब गिर जाता है। इसलिए ऐसे भगवान की बंसी माधुर्य करती है। इसलिए तीसरा माधुर्य कहते उनका जो चौथा माधुर्य है, चौथा माधुर्य कौन सा माधुर्य? कहते उनका रूप माधुर्य, उनका रूप माधुर्य। रूप माधुर्य ऐसे है कृष्ण इतने सुंदर, इतने सुंदर। कहते ना गोपियाँ कभी कभी कहती है नंद लाला तुझे दी बहुत लाली, कड़ा गला कटे जाती करोड़ों की। अच्छा हो गया तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दी, अगर लाली होता ना तेरा दुनिया तेरे पीछे मर जाती है। अच्छा हो गया तेरे को लाला बना दिए, कभी गोपियाँ ताना मारती है कृष्ण इतने सुंदर, इतने सुंदर है कृष्ण। कहते भूषणांग भूषणांग, कहते भूषणांग, हम भूषण क्यों धारण करते, कपड़ा क्यों धारण करते,
सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन जो भगवान को वस्त्र जो पहनाते हैं क्या भगवान की सुंदर दिखाने के लिए? नहीं, ये तो उसमें भूषण का सुंदरता बढ़ती, कृष्ण का नहीं। इसलिए कृष्ण शरीर में कपड़ा क्यों पहनते हैं? कहते नजर लग जाए, भगवान के शरीर में इसकी नजर नहीं लग जाए, इसलिए कपड़े से अपना शरीर को ढक करके कपड़े से रखते हैं। इसलिए बोले कोटि कंदर्प कमनी अभिशेष करो काम देव के चरण में प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कुछ कवियों ने उदाहरण दिया है, हैं कि तो भैया जो मेघ है आकाश में क्यों चला गया? मेघ पहले नीचे था, पहले मेघ था, लेकिन ये मेघ ऊपर क्यों चला गया? और जब कृष्ण जन्म हुए ना, उनके शरीर इतने सुंदर, कहते ना घनश्याम है, नव जलधर घनश्याम, उनका शरीर नव जलधर घनश्याम, उसे नया मेघ जैसे है, मेघ जैसे सुंदरता। जब कृष्ण जन्म हुए मेघ बोला अभी तो मेरे कोई पूछेगा किसने, वही आकाश में चलते ऊपर चलते, कहते ये सर्प बिल में क्यों चले गए? हैं कहते भुज दंड गृहित कंठा, भुज दंड उनको जो हाथ को उदाहरण दिया है सर्प के समान, सर्प का मुंह जैसे मोटी और कुछ पतला है ना, भगवान के हाथ भी इतने सुंदर। इसलिए कहते कृष्ण का हाथ इतने सुंदर है, सर्प ने देगा भैया और हम दिया नहीं देगा, हम तो बिल में चले जाते, क्यों कृष्ण इतने सुंदर उनका हाथ हमें कोई पूछेगा नहीं? बोले शेर जंगल में क्यों चले गए? बोले शेर पहले रोड में घूमते थे, हैं शेर क्यों चले गए? भगवान को उदाहरण दिया सिंह ग्रीव, भगवान को उदाहरण दिया भगवान का छाती कैसे शेर, कमर कैसे पतले, कमर उनकी पतले और छाती उनकी चौड़े। आप देखना भगवान को जो स्वरूप दो शेर को सिंह ग्रीव, शेर को साथ में उदाहरण दिया। जब भगवान जन्म हुए शेर ने देखा भैया हमें कोई कुछ नहीं, जंगल भागो, हम जंगल में चले जाते हैं, हाँ इसलिए कहते जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे कवि, रवि मतलब सूरज, इसलिए वहाँ पहुँचे कवि। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण इतने सुंदर लक्ष्मी भी, कहते बिहाय कामान सुचिर, लक्ष्मी भी कृष्ण की सुंदरता को सुनकर वो भी वैकुंठ का सारे सूर को, कितने उनके नौकरानी कितने दास दासी हैं, कितने दास दासी वहाँ सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी भी अपना वैकुंठ सूर को त्याग दिए, आकर क्या कर रहे हैं? सारे व्रत को छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं बेलवन में। लक्ष्मी हर जगह में ऐसे ऐसे हाथ करती है, लेकिन बेलवन में देखो लक्ष्मी ऐसे हाथ जोड़ कर बैठी है, लक्ष्मी हाथ जोड़ कर तपस्या कर रही है। लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण भी जब कृष्ण की सुंदरता को सुनते चोरी करते हैं, द्वारका के वो ब्राह्मणों के बच्चों को उन्होंने चोरी किया है। जब चोरी किए, जब अर्जुन को साथ में गए, कहाँ पर अर्जुन को साथ में कृष्ण गए, जब नारायण के पास में गए, नारायण बोले प्रभु आपका ये रूप का दर्शन करने के लिए मैंने ये बच्चों को मैंने चोरी किया, अब इतने सुंदर प्रभु। इसलिए कहते नारायण भी बोले नारायण की बात छोड़ो, बोले कृष्ण ने माधुर्य सुनी वासुदेव को, ये चीज को समझो। जब ब्रजनंदन श्याम सुंदर की मधुरता का बात जब श्री द्वारकाधीश कृष्ण सुनते हैं, है? मधुरे से कृष्ण सुनते हैं कृष्ण ने माधुर्य सुनी वासुदेव को, वासुदेव मतलब जब वसुदेव नंदन है, जब ये मधुरे से द्वारकाधीश जब ब्रजेंद्र नंदन की कथा सुनते हैं उनकी मन में भी खो प्रकट हो जाता है। अरे वृंदावन का कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है। इनकी बात छोड़ दो, ब्रजेंद्र नंदन जब ब्रजेंद्र नंदन की कथा अपना रूप को देखते हैं कहाँ पर मणि स्तंभ में, कहते अपर कलित पूर्व कश्चमत्कार करनी हो रही है। कृष्ण जब अपना परछाई को मणि स्तंभ में, इतनी कौन है इतनी सुंदर, कृष्ण सोचते हैं ये सुंदरता कौन आस्वादन करते हैं? राधा रानी। इसलिए मैं कब राधा रानी बनी और ये रूप कब आलिंगन करूँ? इसलिए कलयुग में क्या बने? हाँ सर, चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण आए, राधा जी भाव अंगना के लिए। कहते कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर।
ग्रंथ कृष्ण, इसलिए कहते इसलिए कि ग्रंथ का नाम क्या रखा, माधुर्य कादंबिनी। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे महाप्रभु को कृपा को ही उन्होंने माधुर्य कादंबिनी बताया। कहते हम क्या कर रहे थे, कहते हम लोग किसी मरुभूमि में हैं, किसी मरुभूमि में किसी वृक्ष रूप में वहीं पर थे, मरुभूमि में एक वृक्ष रूप में वहीं पर थे, लेकिन महाप्रभु को महामाधुर्य कादंबिनी हैं, उन्होंने किया क्या कादंबिनी। कहते देखो अब कहाँ पर, अब कहाँ पर, अब यहाँ पर जो बैठे हुए देखो ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, अब कहाँ से आए, अब कहाँ से, देखो कहाँ, अब देखोगे ना हमारे मंदिर में जा देखोगे सारा पृथ्वी का लोग इकट्ठे हो, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कहाँ कहाँ से सबके सबके इकट्ठे हो, कैसे, ये महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु का कृपा को ही उन्होंने, हाँ महामाधुर्य कादंबिनी महाप्रभु को कृपा को ही उन्होंने बताए हैं। इसलिए महाप्रभु की कृपा से ही मैं जब अपना बात सोचता हूँ, पता नहीं किस गाँव के कोने में बली जाती हूँ, इनके बात पूछो तो पता नहीं कोई गाँव है, इनके भी पूछो कि कहाँ गाँव कोने में, हम सबको मिल जाते हैं कहाँ किसी गाँव के कोने में, लेकिन कितना दूर से हमको किसने यहाँ पर ले आए, ये वृंदावन में ले आए हमको, ये कृष्ण भक्ति का रस कौन आस्वादन कर रहे हैं, कहते महाप्रभु का कृपा ही। इसलिए यहाँ पर श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं एक बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दे करके समझाए, बोले चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत वन्या सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है लगन्या। कहते श्रीमद महाप्रभु हैं महाप्रभु के लिए क्या बताए महाप्रभु, कहते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, केवल वदान्य नहीं सबसे बड़े वदान्य हैं जो हमें कृष्ण प्रेम को ब्रज प्रेम को हमें प्रदान किया। इसलिए कहते चैतन्य अवतार बहि प्रेमामृत बन्या, कहते महाप्रभु की अवतार में महाप्रभु ने बाढ़ लाए, बोले किस चीज की बाढ़ लाए, बोले प्रेम रूपी अमृत की बाढ़, ब्रज प्रेम की अमृत को बाढ़ महाप्रभु लाए, बोले सब जीव प्रेम भाषे प्रति धन्य। इसलिए उसमें भजन गाते हैं ना, निताई गो नमनी आमार निताई गो नमनी आनिया प्रेमेर बन्या भाषाई लव नित्यानंद प्रभु क्या किए, आनिया प्रेम की बाढ़ भसाइला अवन, अवन मतलब पृथ्वी को डुबा दिया है। वहाँ पर फिर उदाहरण देते हैं, आबध करुणा सिंधो काटिया मुहान घर घर बोले प्रेम अमियार वान, बढ़िया उदाहरण। जैसे एक बांध हो, एक तरफ पे पानी पानी और एक तरफ पे पूरा सूखा और पानी भरा लपालप भरा, अगर आप उसको बीच में काट दोगे फिर क्या होगा, बोलो तेजी से पानी आएगी, सामने कोई भी आए ना उसको बहा कर ले जाएगा, कोई भी सामने उसको डूबे तो भी बहा में ले जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने उसको जो काट दिए इतने तेजी से बाढ़ आई, इतना तेजी से बाढ़ आते आते ये गड़ी गाँव में भी आ गई और हमारे बिना जी घर में भी आ गया, इनके घर में भी भारी भारी घुस गया, इन घर में भारी भारी घुस गया। इसलिए कहते हैं सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हिला धन्या, संपूर्ण पृथ्वी को महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसा आएगा सारी पृथ्वी का लोग हैं सर धन्य होकर के सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हैं। इसलिए कहते पृथ्वी है धन्य, बोले पुत्थ लील प्रेम बन्या चौदी गे बेड़ाय स्त्री वृद्ध बालक जुबा सकली डुबाय। तो उन्होंने बड़ा उदाहरण देकर बताया, बोले पुत्थ लील प्रेम बन्या चौदी गे बेड़ाय, जैसे दूध गर्म करते हो ना वो उथल जाता ना उफन जाती है ना, उथल में तो उफन जाना है, वो कभी ऐसे ऐसे उफन उफन इतने उफन जाता है दूध
क्या होता है, चार तरफ में बह जाती है। फिर उसी तरह यदि जो प्रेम की जो बाढ़ उथलने उफरने लगा और उफनते उफनते इतने उफन गया चार तरफ में चौथी के बेड़ाए, इतने उफन गया चार तरफ में बेड़ाए, मतलब घूम रहे हैं, किस जो मिले उसको पकड़ लेते हैं, जो मिले उसको पकड़ लेते हैं, हाँ पकड़ करके सबको गला में कंठी माला तिलक दे करके बोले सबके सब क्या करो, हैं सबके सब भगवान की नाम करो, भगवान की भक्ति करो। कहते किसको जो उफन गया, बोले किसको किसको पकड़ा वो प्रेम, बोले स्त्री वृद्धा बालक जुबा सकल डुबा, किसको छोड़ा नहीं भैया, ये स्त्री इसलिए इनके नहीं बोले नहीं इनको ही पकड़ो, बालक छोड़ना नहीं इनको ही पकड़, इसे देखना छोटे छोटे बच्चों को तिलक माला गंडी लगा कर देना सब हरे कृष्ण नाम जप कराते, इसलिए स्त्री वृद्धा हैं जो ये बूढ़े इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं उसको ही पकड़ो, हैं स्त्री वृद्ध बालक बोले ये जवान है नहीं इनको ही पकड़ो, देखो यहाँ पर देखो स्त्री वृद्ध बालक सब इसको छोड़े ही नहीं हैं, इसलिए और बोले सजन दुर्जन पंगु जड़ अंधगान प्रेम बनाए डुबाइल जग तेरा जन। मैंने कह रहे हैं सज्जन जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति है, हैं सज्जन बोले दुर्जन जैसे महाप्रभु सज्जन किसको पकड़े, राजा को भी पकड़े उन्होंने, उन्होंने प्रकाश आनंद पकड़े किसको श्री हाँ श्री प्रताप रुद्र राजा को पकड़े, राय रामानंद को पकड़े, हैं फिर उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को पकड़े, सज्जन बोले दुर्जन जगाई माधाई को जैसे पकड़े, हैं दुर्जन बोले पंगु, पंगु मतलब क्या जो चल नहीं सकते हैं, मतलब जिसका अंदर में कोई भी गुण नहीं, और जड़ है कहते जो जड़ है और जो अंधे हैं, अंधे मतलब जिनका धर्म फर्म के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए कहते ये सबको उन्होंने पकड़े पकड़ करके प्रेम बनना डुबाई ना जगत रजन, उन्होंने पूरा दुनिया को प्रेम और विकार उन्होंने सबको डुबा दिया, बोले जगत जो बीला जीवे हाइल बीज नाश ताहा देखी पांच जने परम उल्लास। क्या हुआ जब जगत कृष्ण प्रेम रूपी बन्या में डूब गया है, जब सब जीव प्रभु का प्रेम में डूब गए, जब जो पांच जन मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और भक्त वृंद कभी पंचवृत्ति एक खुश हो गए, बोले भैया सब दुनिया भी प्रभु का नाम भक्ति कर रहे उसको देख करके प्रसन्न हो गए। जत जत प्रेम वृष्टि करे पंच जन तत तत बाढ़े प्रजल व्याप त्रिभुवन। कहते पांच व्यक्ति का जितने प्रेम बारिश कर रहे थे, जितना प्रेम की बारिश कर रहे थे तो उतना ही पानी पड़ रहा था। इस जगत का नियम है, क्या नियम है, अगर कोई चीज है जैसे 10 रुपया, अगर 5 रुपया लेकर तो 5 रुपया कम हो जाएगा, 2 रुपया लेकर तो 2 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन भक्ति ये कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, इसको दे दिया इसके भी घर घर में जाकर देना शुरू कर दिया, उसको दे दिया वो भी घर घर में शुरू कर दिया, इनको दे दिया ये भी जाकर घर घर में शुरू कर दिया, और जिसको दिया ना वो क्या कर रहे उसको लुटा रहे, उसको लेकर के लुटा रहे अड़ोस पड़ोस भैया तुम पी लो तुम पी लो तुम पी, इसलिए ये कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये बढ़ते जा रहे, और बढ़ते 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 एक दिन क्या होगा सारा दुनिया को डुबा देगा, सारा दुनिया को डुबा देगा, और सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक दिन प्रभु के प्रेम में डूब करके सबसे सब, इसलिए ग्रंथ का नाम क्या रखा माधुर्य कादंबिनी। ये जो मेघ है ये क्या करता है, ये मेघ साधारण मेघ नहीं भगवान की प्रेम रूपी मेघ, ये मेघ कोई साधारण मेघ नहीं भगवान की ये प्रेम रूपी मेघ है। अगर हम लोग संसार का जीव में संसार में ये मरुभूमि में हम पड़े हुए सबके सब मरुभूमि जहाँ पर कोई पानी है नहीं, जहाँ पर पानी
कुछ है ही नहीं, मतलब जहाँ कोई आनंद रस जहाँ पर नहीं, लेकिन महाप्रभु जो कृपा है यही माधुर्य कादम्बिनी, अगर वो हमारे हृदय में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर हैं, अगर ये माधुर्य रूपी बारिश होगा तो हमारा जो सूखा हृदय को भी क्या करेगा, सरस बना देगा, तभी कृष्ण प्रेम में सरस बना देगा। इसलिए ये ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी रखेंगे। फिर हम लोग फिर कल सुनेंगे, फिर उसको आगे उन्होंने क्या क्या उदाहरण दिया और कैसे 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 लता बढ़ेगी और लता कैसे जाकर के धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगी, ठाकुर का चरण में कैसे पहुँच करके, फिर जिस फल में गुठली नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें रसी रैसे बाँस बैठ कर चकाचक भोजन कर, ठीक है। पिताई गौर प्रेमानंद बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।